नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जीएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे जीएसटी से रिलेटेड है और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, ये वीडियो मैं दोबारा लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें कुछ नए क्वेश्चन ऐड किया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको जीएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आप आसानी से हल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीएसटी के ऊपर जो भी सवाल पूछे जाएंगे इससे बाहर कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में भी जीएसटी के ऊपर सवाल पूछे गए थे। तो मेरा इस वीडियो से, यानी कि जो पहले वीडियो मैं डाला था उसमें से एक क्वेश्चन लड़ा था, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहला सवाल है, विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो आंसर हो है इसका फ्रांस, 1954 में। कब लागू हुआ था? तो 1954 में फ्रांस में। फ्रांस पहला देश था जहाँ की जीएसटी लागू हुआ था। दूसरा सवाल है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। तीसरा सवाल है, भारत में जीएसटी को लागू किया गया, भारत में जीएसटी को लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। चौथा सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। पांचवा सवाल है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। छठा सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। यही क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो असम। यही क्वेश्चन यानी बिहार पुलिस में आया था। तो सातवां सवाल है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया? भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279। कमेंट में लिख यानी पूछ दिए थे कोई लोग, जीएसटी यानी अनुच्छेद और एक्ट अलग अलग होते हैं। तो हाँ दोस्तों, एक्ट और अनुच्छेद अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। नौवां सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 122वां संशोधन। तो एक आपको बता दूं कि 122वां संशोधन 2014 में हुआ है, और बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि अभी 101 दो संशोधन होवे नहीं किया है, आप बता दिए हैं कि 122वां संशोधन ये कब हुआ है, तो 2014 में हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 122वां संशोधन हो चुका है भले ही आपको पता नहीं है। और दसवां सवाल है, किस एक्ट के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? किस एक्ट के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 101 एक्ट। 11वां सवाल है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2016 को। 12वां सवाल है, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 336। 13वां सवाल है, जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 वोट। मात्र 11 वोट विपक्ष में पड़े थे और 336 वोट पक्ष में पड़े थे। 14वां सवाल है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। और नेक्स्ट है, जीएसटी चोरी करने वाले को कितने वर्ष का कारावास होगी? जीएसटी चोरी करने वाले को कितने वर्ष की कारावास होगी? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष।
जीएसटी दरें कितनी प्रकार की है, जीएसटी दरें कितनी प्रकार की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों उस वीडियो में मैंने 5 लिख दिया था, उसमें 0 को भी ऐड कर लिया था, तो 0% नहीं होगा, तो 4 ही होगा। 5% 12% 18% और 28% जीएसटी 4 ही प्रकार का है। 17वां सवाल है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। 18वां सवाल है, लगभग कितने देश में जीएसटी लागू किया गया, लगभग कितने देश में जीएसटी लागू किया गया है, तो इसका आंसर है 160 देश जहाँ की जीएसटी लागू हुआ है। सवाल 19वां सवाल है, भारत में जीएसटी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया, भारत में जीएसटी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में, यानी कि वर्ष 2000 में। 20वां सवाल है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। 21वां सवाल है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। 22वां सवाल है, जीएसटी में वित्त मंत्री पैनल का अध्यक्ष कौन है, जीएसटी में वित्त मंत्री पैनल का अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमित मिश्रा। 23वां सवाल है, जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य कौन है, जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। 24वां सवाल है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो तेलंगाना। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों का कि यानी कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य यानी कि तेलंगाना है, और बिल पारित करने वाला या लागू करने वाला असम हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। 25वां सवाल है, जीएसटी दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा, जीएसटी दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। 26वां सवाल है, जीएसटी भारत में जीएसटी का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होगा, भारत में जीएसटी का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50-50। 27वां सवाल है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, कौन कौन, तो आंसर हो जाएगा CGST, SGST, IGST। 28वां सवाल है, जीएसटी का फुल रूप क्या है यानी कि पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और लास्ट सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का अंतिम राज्य है जहाँ जीएसटी लागू हुआ। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, बहुत मेहनत करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन देख रहे होंगे, उसे दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकॉन यानी कि घंटा बटन दिखाई देगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया क्वेश्चन लेकर आऊँ वो आप आसानी से देख सकें। तो इस वीडियो के बारे में बताएं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि कोई सजेशन देना है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ दे सकते हैं आप। और जो भी एग्ज़ाम के लिए आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए आपसे आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।